सीहोर जिले के ग्राम हीरापुर के किसान महेंद्र सिंह परमार ने बारिश से खराब हुई कटी पड़ी सोयाबीन में आग लगा दी। महेंद्र सिंह परमार का कहना है कि मेरी 18 एकड़ जमीन है जिसमें सोयाबीन की फसल बोई थी, अधिक वर्षा से सोयाबीन की फसल खराब हो गई, कटी पड़ी हुई फसल भी खराब हो गई थी। मजबूर दुखी होकर मैंने उसमें आग लगा दी। एक महीना बीत गया, मेरी फसल खराब हुए, आगे मुझे अगली फसल की बुआई करना है, इसलिए खेत तो साफ करना था। वही किसान का कहना है कि अभी तक मौके पर न कृषि अधिकारी ने आकर देखा और न राजस्व अधिकारी ने देखा। खराब सोयाबीन की फसल का कोई सर्वे नहीं किया गया, जबकि हर साल सोयाबीन की फसल का बैंक द्वारा बीमा राशि तो काट ली जाती है, लेकिन बिना सर्वे के सरकार बीमा भी नहीं देगी। इधर चंदेरी के किसान व समाज सेवी MS मेवाड़ा का कहना है कि किसानों द्वारा एक महीने से मांग की जा रही है कि खराब सोयाबीन की फसल का सर्वे कर RBC 64 के अंतर्गत राशि दे और बीमा राशि दे, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। इधर किसानों को DAP खाद भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों को अगली गेहूं की फसल बोने के लिए DAP खाद की आवश्यकता है। ग्रामीण किसानों को DAP खाद भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान काफी दुखी व परेशान है।